निरंतर तीर्थ बनने की यात्रा में सक्रिय सहभागी श्रोतागण, महावीर या महाविनाश की बात आपके साथ कर रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है महावीर को चुनना। महाविनाश दिखने के बाद भी आदमी महावीर को चुन नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर दुर्योधन की वृत्ति इतनी गहरी है कि सामने महाविनाश नजर आने के बावजूद भी दुर्योधन महाविनाश से बचने के रास्ते को खोज नहीं पाता, सामने होकर के भी चल नहीं पाता है। ना धृतराष्ट्र सुधर पाता, ना दुर्योधन सुधर पाता है। भीष्म पितामह विदुर बार बार दुर्योधन को कहते हैं, धृतराष्ट्र को कहते हैं, अब भी मान जाए, समझौता कर ले, लेकिन दुर्योधन नहीं करता है। यदि महाभारत का वो प्रसंग आप याद कर सको तो पता चलेगा कि महावीर को चुनना मुश्किल कितना हो जाता है। भीम और दुर्योधन का युद्ध हो चुका है, दुर्योधन को भीम हरा चुका है, और भीम से हार करके दुर्योधन मरा नहीं है, एक डोह में जाकर के छिपा है। रात्रि के समय उनको खोजते खोजते अश्वत्थामा कृपाचार्य वहां पहुंचते हैं। दुर्योधन की अंतिम घड़ी है, मरना ही है उसने, और उस मृत्यु के वेला में भी अश्वत्थामा को सेनापति बनाता है, स्वयं मर रहा है, लेकिन मरते हुए भी वैर की विरासत अश्वत्थामा को सौंप के जा रहा है। उस समय भी वो विनाश का रास्ता छोड़ नहीं पाता है। जब तक हम अपने अंदर के दुर्योधन को विदा न कर पाएंगे, महावीर को चुन नहीं पाएंगे। प्रश्न व्याकरण सूत्र में यही बात कही गई कि दुर्योधन हमारा चिर परिचित है, हिंसा चोरी झूठ बोलना ये हमारा बहुत फैमिलियर है, इन रास्तों पर हम इतनी बार चल चुके हैं कि रास्ते जन्म जन्म के इतने जाने पहचाने हो गए हैं कि इन पर चलते समय सोचना ही नहीं पड़ता है। ऐसे कर जाते हैं कि हैबिट हो चुकी है उसके, चिर परिचयम। और सुमर का जो मार्ग है, व्रत का जो मार्ग है, महाव्रत का जो मार्ग है, अनुव्रत का जो मार्ग है, वो सुहाना है लेकिन फैमिलियर नहीं है, अनफैमिलियर है, अननोन है। और अननोन रास्ते पर चलने में डर लगता है, यही कारण है कि हम लोग सुधरना चाह करके भी सुधर नहीं पाते हैं। कि सुधरने का मतलब होता है कि नए रास्ते पर चलना है। और नए रास्ते पर चलना हो तो पुराने रास्ते से रिश्ता तोड़ना पड़ता है, पुराने रास्ते की मोहब्बत छोड़नी पड़ती है। और ये मोहब्बत छूट जाए तो तीर्थ बनना बहुत आसान है, ये मोहब्बत छूट जाए तो महावीर के साथ चलना बहुत आसान है। सौभाग्यशाली है वो इंद्रभूति गौतम, चंड कौशिक, अर्जुन माली, वे लाखों हजारों लोग सौभाग्यशाली है कि महावीर सामने आने के बाद वो सबसे छूट पाए।
छूटना होगा तभी कुछ ले पाऊंगे, पाना है तो छोड़ना ही होगा। यदि पता चल जाए कि मेरे पास जो है वो कचरा है तो कचरे को कब तक पकड़ करके बैठोगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जय शयनम, कितने बार करोगे? वहां बोर नहीं हो रहे? क्यों? फैमिलियर हो गया है। और इसलिए कल एक छोटा सा प्रयोग दिया था आपको तीसरे व्रत का है कि तृप्ति के साथ खाली पेट रख करके उठना है। मन भरा हुआ होना चाहिए, मन में खालीपन नहीं होना चाहिए। और मन में खालीपन रख करके यदि तुम उठोगे तो दिन भर भूख लगी रहेगी, दिन भर खाने की इच्छा होती रहेगी। तृप्ति के साथ जो छोड़ते हैं वो मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, और अतृप्ति के साथ असमाधान के साथ जो छोड़ देते हैं वो नरक में जाते हैं। इतना एक सेंटेंस कल का बार बार याद रहे आपको, जो सेटिस्फाइड होकर के छोड़ते हैं वे सिद्धि मार्ग पर चलते हैं, और जो अनसेटिस्फाइड होकर के छोड़ते हैं वो नरक के रास्ते पर चलते हैं। छोड़ना है लेकिन समाधान के साथ छोड़ना है, मन में खंत नहीं हो चाहिए, रुक रुक नहीं चाहिए। एक कहानी आती है, पुराने जमाने की कहानी है लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। एक भिखारी रास्ते पर बैठ करके, गांव के बाहर रास्ते पर बैठ करके भीख मांग रहा था, और जमींदार सामने से घोड़े पर बैठ करके आ रहा था, और आज जमींदार खुश था। जैसे जमींदार को आते हुए देखा, घोड़े पर सवार होते कारते देखा है, तो भिखारी उठकर खड़ा हुआ है और गुहार लगाई, जोहार किया। जमींदार ने उस भिखारी की तरफ देखा और बोला, क्या चाहिए तुझे, कितना चाहिए? बोले, 1 रुपया मिल जाए बहुत है। और जमींदार ने तुरंत उसको 1 रुपया दे दिया। जैसे 1 रुपया हाथ में आया उसके, उसके दिमाग में कीड़ा चल हो गया, अरे यार 2 मांगता तो भी मिल जाता है। और उसने जमींदार को आवाज दी, घोड़ा आगे बढ़ चुका था, आवाज दी जोर से दौड़ता हुआ, बोले, क्या बात है रे? बोले, साहब 2 रुपये दे दो तो अच्छा रहेगा। उसने जमींदार ने और 1 रुपया निकल कर दे दिया। अब 2 रुपये मिलने के बाद भिखारी ने खुश होना चाहिए था, और दुखी हो गया। बोले, आ जा रे, मेरी भाग्य तेज है और मैं गलती कर रहा हूं। 1 मांगा मिल गया, 2 मांगा मिल गया, इसका मतलब आज जो मांगूंगा मिल जाएगा, 10 मांगता तो भी मिल जाते हैं। और उसने बहुत जोर से दौड़ लगा करके जोर से जमींदार को आवाज दी, बोले, आपने बड़ी कृपा करी, कभी ऐसा भाग्य मेरा बुलंद नहीं हुआ, आज आपके कारण से मेरे पूरे भाग्य के सितारे चेंज हो गए। 1 10 रुपये मिल जाए तो, जमींदार ने 10 रुपये भी दे दिए। आप तो भिखारी माथा ही ठोकने लगा, बोले, अरे यार
आज तो निहाल हो सकता था, आज तो तुझे मुंह मांगा मिलने का तेरा कोई लक है, पुण्य का उदय हुआ है, पर तेरी अकल मारी गई और दुखी दस मिल करके दुखी। फिर तो जंप लगा करके सीधा घोड़े के आगे जाकर खड़ा, बहुत कृपा करी, बोले बहुत कृपा करी, एक बार आप 100 रुपये दे दो तो निहाल हो जाऊंगा। जमींदार ने देखा उसकी तरफ और घोड़े को चलाने के लिए जो हंटर रखा था 100 रुपये की वजह से हंटर मारा उसको, बोले आप ठीक है, बोले बोला ओके 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 ओके, अब खुश हो गया, नहीं मिला और खुश हो गया, और मिला हो तो दुखी था। जमींदार को भी आश्चर्य हुआ, बोले गड़बड़ क्या हो गई यार, आप खुश हो गए तो हंटर खा कर गए, बोले अंदर की रुख रुख मिट गई, अब मिल नहीं सकते पता चल गया, शायद मुझे लगता अपने को भी हंटर चाहिए, हंटर खा करके ही शायद सेटिस्फाइड हो पाएंगे। लेकिन करे क्या, भगवान महावीर किसी को हंटर नहीं मारते हैं, केवल समझने का सवाल है। तो कल का एक प्रयोग दिया था आपको कि सेटिस्फाइड होकर के खाली पेट रखना है, सेटिस्फाइड होना है, मन में समाधान हो जाए, और मन में समाधान होगा तो रुख रुख निकल जाएगी, और मन में समाधान नहीं हुआ तो पेट भरने के बाद भी उस भिखारी के समान एक मिल गया, दो मिल गए, दस मिल गए, लेकिन वक वक नहीं गई। पुराणों में ययाति की कहानी आती है, अपने ही बेटों की जवानी लेकर के जीने वाला हो, ययाति का भाव, और ययाति दे देता है लेकिन वो सेटिस्फाइड होता है, उसको पता है कितना भोग करके भी समाधान नहीं हुआ तो फिर मतलब क्या निकला। बोले इसलिए तीसरे व्रत की आराधना की जो सबसे गहरी बात है वो ये बात इतनी है, और ये नहीं हो पाया शायद आप लोगों का अनुभव होगा कि परंपरा के कारण से जिस समय संवत्सरी का उपवास आप लोग करते हो और जिन्हें उपवास करने की आदत नहीं होती है और उपवास करते हैं, फिर दिन भर दूसरे दिन की प्लानिंग चलती, पारने में क्या क्या खाना है, और स्मेल बहुत आती रहती उपास में कि उपास भूखे का उपास हो गया, समाधान का उपास हो गया, सेटिस्फाइड होकर के उपास नहीं हुआ है। और बिना सेटिस्फेक्शन के जब उपास करते हैं तो उपास कर करके भी उपास का फल, उपास का आनंद ले नहीं पाते हैं। इसलिए तीसरा व्रत बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आज उसके दूसरे आयाम पर, जो मैं नहीं हूं वो शो करना ये भी चोरी है। तपस्वी नहीं हो लेकिन शरीर दुबला पतला है, शरीर बिल्कुल दुबला पतला था तपस्वी जैसा दिख रहा है, और किसी ने आकर के वंदना करते हुए पूछा है कि मैंने जिस तपस्वी को सुना आप ही वो तपस्वी हो क्या, बोले संत सारे तपस्वी होते हैं, ये सोच ये प्रतिपादन परमात्मा कहते कि इसको तपस्तेन कहते हैं, तप नहीं किया लेकिन तप का श्रेय ले लिया, दान नहीं दिया लेकिन दान का श्रेय ले लिया, सेवा नहीं करी लेकिन सेवा का श्रेय ले लिया, व्रत की आराधना नहीं करी लेकिन व्रत का श्रेय ले लिया है। ये चोरी का एक नया प्रकार है, जो नहीं किया उसका श्रेय लेना है।
जो आपने कमाई नहीं उसका श्रेय लेना, इसको भी परमात्मा ने तवस्ते ने वयस्ते ने के नाम से कहा है। ये चोर है कि जो वो हुए नहीं वो शो करते हैं, चाहे ज्ञान को लेकर के हो, चाहे श्रद्धा को लेकर हो, चाहे संयम को लेकर के, चाहे ब्रह्मचर्य को लेकर के हो, चाहे किसी भी बात को लेकर के हो, और इसी के कई रूप चलते हैं। शराब के ध्यान में आता हो नहीं आता हो, देते एक बार है और जिक्र हजार बार करते हैं। एक बार देने के बाद का जिक्र हजार बार करने वाला तो और बड़ा चोर हो गया है। दिया एक बार है लेकिन जिक्र हजार बार है। क्यों? परमात्मा ने कहा कि तीसरे व्रत की आराधना करने वाला है बाकी सारे व्रत की आराधना में समर्थ बन पाता है। ये बार बार का जिक्र है। और आप देखोगे इस बीमारी से ग्रस्त लोग बहुत मिल जाएंगे आपको। और वो बड़े मजे लेते हैं उसमें, और ये मजे लेकर के और कुछ नहीं करते हैं, जो दिया उसको बर्बाद करते हैं। छुट्टी नहीं पाया दे करके भी, हाथ से छूट गया लेकिन मन से नहीं छूटा है, और मन से छूट जाता तो जुबान पर कहां से आता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीप चंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।